जब मैं 24 घंटे अपने काम पर फोकस करता था तो रेल लोग कहते थे यह लड़का नहीं सुधरेगा। जब मैं क्लास में होमवर्क करके नहीं जाता था और क्लास में फेल हो जाता था तो लोग कहते थे यह लड़का नहीं सुधरेगा। जब मैं हिंदी स्कूल में पढ़ने की वजह से अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात नहीं कर पाता था तो मेरे दोस्त कहते थे यह लड़का नहीं सुधरेगा। जब मॉल में शॉपिंग करने के लिए और थिएटर में मूवी दिखाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो मेरी गर्लफ्रेंड कहती थी यह लड़का नहीं सुधरेगा। हाँ, सब सही कहते थे, यह लड़का नहीं सुधरेगा, आग में भी चलेगा, कांटों पे भी चलेगा, स्ट्रगल करेगा, कामयाबी के झंडे गाड़ देगा, यह लड़का नहीं सुधरेगा। हाँ, मेरे बड़े बड़े सपने सोसाइटी के छोटे से डब्बे में नहीं बंद हो पाएंगे। मेरा नजरिया, मेरा काम करने का तरीका मोहल्ले के लोगों से बिल्कुल अलग है। कामयाबी का किस्सा बनना है, भीड़ का हिस्सा नहीं। सोसाइटी जॉब देने के लिए वर्क एक्सपीरियंस मांगती है, मेरे पास हार्ड वर्क एक्सपीरियंस है, मेरे पास स्ट्रगल एक्सपीरियंस है, मेरे पास मोटिवेशनल एक्सपीरियंस है, मुझे समझाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, कामयाब होना मेरी मजबूरी है। रुकावटों की जंजीरों को अपने दांतों से कुतरेगा, वो तेजाब में भी उतरेगा। हाँ, सब कहते थे, सही कहते थे, ये लड़का नहीं सुधरेगा। सुनो, मेरे कामयाबी का डंका तुमको सुनाई नहीं दिया क्या? बहुत कहते थे लोग हंस के, माथे पे अरुण लाइफ लिखा है क्या? अबे आओ यार, दिखाऊं तुमको क्या लिखा है मेरे सर पे। तुम जैसे हजारों लोग मेरे साथ हैं और तुम जैसे लोग रोज मिलने आते हैं मुझे मेरे घर पे। तुम जैसे लोग बहुत परेशान किए लेकिन हल्के में लिया मैंने तुम लोगों के बातों को। स्ट्रगल किया मैंने दिन रात और जागा है ना जाने कितनी रातों को। मुंह बंद हो जाएगा तुम लोगों का जब मेरा नाम तुम लोगों के आगे से गुजरेगा। तुम लोग सही कहते थे यार, यह लड़का नहीं सुधरेगा। जब जरूरत पड़ी थी तो तुम जैसे लोग अपना रंग दिखाते हैं। मैं तुम ही लोगों से सीखा हूँ यार कि पैसा कैसे कमाते हैं। बस में बैठने के पैसे भी नहीं थे, पैदल भी चला। स्टेशन पर भी टिकट लेने के पैसे नहीं थे, बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ा। मैंने अपनी किस्मत के ऊपर भी रोया है फाड़ फाड़ के अपना गला। पैसे की वजह से मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। बहाने नहीं बनाए, मैंने कोशिश दिन रात की। सिर्फ 8,000 रुपए से ही मैंने अपने स्टार्टअप की शुरुआत की। आइडिया बनाया खुद से, पैसे जुटाए खुद से, मार्केट में रूम ढूंढा खुद से, ऑफिस में झाड़ू भी लगाता था खुद से, सामान भी उठाया खुद से। सभी कहते थे अरुण पागल हो गया है और कितनी मेहनत करेगा। सब सही कहते थे यार, ये लड़का नहीं सुधरेगा। कामयाबी के हर राज को जानेगा, ये तो झंडा गाड़ देगा, ये तो आग लगा देगा। हाँ, ये लड़का नहीं सुधरेगा। आलस और लालच से बचेगा, अपने कर्मों का इतिहास रचेगा, किसी को प्रूफ नहीं खुद को इम्प्रूव करेगा। ये लड़का नहीं सुधरेगा। काम ऐसा करो कि दुनिया को दिखा सको। बेड पे लेट के तब तक रिलैक्स मत करो जब तक बेड पे लेटे लेटे ना कमा सको।